पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को एक सुनार की कार खराब होने पर उसकी मदद करने आए तीन युवकों ने मदद के बहाने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर एसएसपी गौरव गर्ग द्वारा बनाई गई जांच टीम ने इस गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। वो इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्रकार वार्ता दौरान एसएसपी होशियारपुर गौरव गर्ग ने बताया कि लुटेरों से 139 ग्राम सोना, 5,70,000 नकदी, एक बुलेट मोटरसाइकिल तथा स्विफ्ट कार बरामद की है। आरोपियों की पहचान प्रदीप कुमार, योगेश कुमार तथा राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे जानने के लिए 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। एसएसपी ने बताया कि इस मामले से जुड़ी एक और जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके तहत नवांशहर जिले में प्रत्येक थाना क्षेत्र प्रभारी ने लोगों को कार सहित गिरफ्तार किया था, परंतु बाद में पैसे लेकर पुलिस ने आरोपियों व कार को छोड़ दिया था, जिस संबंधी पुलिस द्वारा कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। इस संबंधी जब शहर के एसएसपी अलका मीणा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले को लेकर जांच जारी है। उसको कल बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जिहड़े लूट को कंट्रोल करने के लिए मेरे वालों टीम बनाई गई थी, जिसमें एसपीडी, एसपी हेडक्वार्टर, डीएसपीडी, डीएसपी गढ़शंकर, इंचार्ज सीआईए ते एसएचओ गढ़शंकर, इन्होंने वधिया उपराले करके ते एक अपना 3 अक्टूबर का केस सीगा एफआईआर, जिसमें इतने शहर के लोक ज्वेलर है बग्गा ज्वेलर, उन्होंने गड्डी खो हुई सी, नाल ज्वेलरी, नाल उन्हां दे कैश सीगा, ते उही लड़ीवार विच पुलिस ने कामयाबी हासिल की ते असी 3 बंदे फड़ लेते हैं। जिहड़े पोज्जेवाल थाना सब डिवीज़न बला चौक जिला नवांशहर के रहने वाले हैं, एंड इन्हां दे नाम हैं प्रदीप कुमार उर्फ विक्की, योगेश कुमार उर्फ काकू ते राकेश कुमार उर्फ देसराज, जिहड़ा ज्वेलर है जिन्हें चोरी का समान खरीदा सीगा। तो ओवरऑल रिकवरी जी हुई है तकरीबन 14 तोले सोना, 5,17,000 रुपए, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट गड्डी जी मेन गड्डी बिलोंग करती थी ज्वेलर से जो चोरी हुई सी, तो 10 किलोग्राम चांदी, जिन्होंने ओवरऑल जो टोटल एस्टीमेट है तकरीबन 15 लाख रुपए बनता है। इसमें जिमें सब तो जरूरी गल है जी मैं बताना चाहता हूँ, जो SHO पोज्जेवाल लगा है, मेरी हुनी SSP नवांशहर नाल गल हुई है, उस पर करप्शन का पर्चा करने लगे, क्योंकि उन्हें बंदे फड़ के 3.5 लाख रुपए लेके तो छड़ देते थे। क्रिमिनल बैकग्राउंड उदा इन्हें कलंदरे बने हुए हैं 110 के, तो शराब बेचते हैं हार्ड कोड, तो नशा डेली करते हैं। ये एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है, बट असी सारा कुछ वेरीफाई किया है, क्लैरिफाई किया है, तो मैडम नाल मेरी गल हुई है, ठीक है, वो करप्शन का पर्चा देने लगे, 3.5 लाख रुपये लेके इन्हें 110 का कलंदरा बना के 207 में गड्डी बंद करके बात छोड़ देती थी। ये वेरिंग एस्टिमेट है, ठीक है, कोई कह रहा है कि 500 ग्राम सीगा, कोई कह रहा है 700 ग्राम सीगा, लेकिन सानू जिवें पता चला 4 डब्बे सीगे मुंदरिया ते कोके, इस टाइप के छोटे वो डब्बे बने हुए सीगे, ते ऑलमोस्ट असी जिन्ना रिकवर कर सके ते कर लिया, बाकी होर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा उसी का। द स्टेलर न्यूज के लिए संवाददाता भूपेश प्रजापति के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट। श्री दशमेश अकेडमी स्कूलिंग एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल अते कॉमर्स, प्रोफेसर हरप्रीत जी, एडमिशन ओपन श्री दशमेश अकेडमी नियर ITI जलंधर रोड होशियारपुर, कॉल 82848 86187।